नमस्कार जूले, मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस बस से जिससे हम पंजाब से दिल्ली जा रहे हैं। रास्ते में हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस के बहुत सारे गाड़ियाँ हमें एस्कॉर्ट कर रही थी, मगर जैसे जैसे हम दिल्ली की तरफ पहुँच रहे हैं लग ऐसा रहा है कि वो एस्कॉर्ट नहीं बल्कि हमें वो एक तरह का डिटेन कर रहे हैं या अरेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सारे बसों में खासकर हमारे बस में दो पुलिस ऑफिसर्स आए हुए हैं और बताया ये जा रहा है कि दिल्ली के बॉर्डर पर लगभग 1000 की पुलिस फोर्स तैनात की गई है और सारे लेन्स को मिलाकर एक किया गया है और इसीलिए बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम है यहाँ पर। वैसे ही हमें बताया गया कि लद्दाख भवन, जहाँ पर लद्दाख के नेता ठहरे हैं, उन्हें बैरिकेड करके एक तरह का हाउस अरेस्ट किया गया है और जो लद्दाख के स्टूडेंट्स दिल्ली में हैं, जिस मोहल्ले में या इलाके में हैं, वहाँ भी बैरिकेड्स किए गए हैं, तो हमें शायद डिटेन किया जाएगा। इसके बाद मैं आपको वीडियो भेज पाऊँ या न पाऊँ ये सोचकर मैं बस में से ही ये वीडियो भेज रहा हूँ। इससे पहले कुछ देर पहले एक नोटिफिकेशन दिल्ली पुलिस कमिश्नर से आया जिसमें कि उन्होंने सेंट्रल और नॉर्थ दिल्ली पूरे में एक ऑर्डर लगाया है जो कि सेक्शन 144 जैसा ही है, नाम कुछ और है, जिसके अंतर्गत 5 आदमी से ज्यादा जुट नहीं सकते हैं 30 तारीख से 6 अक्टूबर तक। तो लगता है कि ये जो पद यात्रा है उसको वो नहीं होने देना चाहते हैं, हालांकि ये बिल्कुल पीसफुल था, इस पे रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है और इसके बाद हमें डिटेन किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, कहाँ ले जाएंगे कुछ पता नहीं है। तो ये मैं वीडियो अभी आपके लिए बना के रख रहा हूँ, आप लोग इसके बाद शायद समाचार में सुनेंगे क्या हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। हौसले फिर भी बुलंद हैं क्योंकि देश हमारे साथ है, सच्चाई हमारे साथ है और सच्चाई की जीत होगी। जय हिंद।